अब मैं आपको दिखाता हूँ वो फीचर जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है टेस्ला, इसका ऑटो पायलट। तो मतलब आपका फेवरेट फीचर क्या है इसका टेस्ला का? लाइक समवन फीचर, इट्स वन ऑफ द कूल कूलेस्ट फीचर्स आई थिंक इन टेस्ला दैट वी शो टू अदर पीपल। या तो मैं आपको ये समवन फीचर करके दिखाता हूँ। तो कैसे करते हैं, बेसिकली आपको टेस्ला की ऐप में जाना है। सो इट्स कनेक्टिंग टू द कार राइट नाउ एंड यू जस्ट प्रेस कम टू मी हियर एंड दैट्स इट एंड यू विल सी द कार स्टार्टिंग। तो वो गाड़ी अपने आप चल रही है, कोई भी अंदर नहीं बैठा। विनोद का गो शो द कार, देयर इज नो वन सिटिंग इनसाइड। मतलब ये फीचर देख के लग रहा है कि यार ये गाड़ी लेनी बनती है। What's up guys and welcome back to another vlog। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस टेस्ला के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले पूरी डिटेल में दिखाता हूँ ये टेस्ला मॉडल 3 एंड इसके बाद मुझे जाना है टू मीट अ फ्रेंड, क्योंकि उनके पास टेस्ला मॉडल एस है जो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो पहले ये दिखाता हूँ, फिर इस टेस्ला मॉडल 3 को कंपेयर करेंगे मॉडल एस से। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से। वी हैव दिस ब्यूटिफुल रेड कलर एंड ये जो टेस्ला की सिम्प्लिसिटी है ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड आई थिंक अगर मैं कैमरा काउंट करूँ तो टोटल टेस्ला में एक कैमरा यहाँ पर है, एक कैमरा साइड मिरर के नीचे है, एक कैमरा है यहाँ पे, दो कैमरे फ्रंट में है एंड दो कैमरे बैक में। तो टोटल 8-10 कैमरे हैं जो हर चीज़ मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा इन टेस्ला ये जो बूट होती है ये भी ऑटोमेटिक है। टेस्ला की कोई भी चाबी नहीं होती, यू जस्ट हैव दिस कार्ड, या तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बट क्योंकि ये रेंटल गाड़ी है तो मैंने ऐप तो नहीं डाउनलोड करी, बस ये कार्ड है यहाँ पे। इन गाड़ी खोलने के लिए आपको बस ये कार्ड यहाँ टैप करना है जहाँ ये कैमरा है एंड दैट्स इट। एंड ये जो टेस्ला के ओपनिंग हैंडल हैं ये भी बहुत बढ़िया लगते हैं, इसको बस प्रेस करना है। तो बाहर से तो बस इतना ही था, जो सारे फीचर हैं वो सारे अंदर हैं। तो अंदर जाके आपको सारे फीचर दिखाता हूँ। You have a trunk, and you know what you have in the front? What? Frank. I didn't make it up. It's a Frank. Oh, I thought it was a bad joke. तो ये जो डिग्गी है आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर चीज इस स्क्रीन से कंट्रोल हो सकती है गाड़ी की। तो अगर मैं ये ओपन दबाता हूँ तो पीछे डिग्गी खुल गई एंड यहाँ से ही मैं बंद कर सकता हूँ। एंड आगे भी छोटी सी डिग्गी होती है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। एंड गाड़ी खोलने के लिए कोई भी मतलब प्रॉपर लीवर नहीं होता, सिर्फ ये बटन है। सो ये छोटी सी फ्रंट ट्रंक भी है अगर आपको एक बैकपैक वगैरह रखना है। एंड अब बात करते हैं सारे फीचर्स की। तो सबसे पहले यहाँ से ये मेन्यू में जाना है एंड ये सारे फीचर हैं गाड़ी के। तो अगर आपको कुछ भी कंट्रोल करना है, साइड मिरर सब कुछ मतलब इसी स्क्रीन से होगा। अगर मैं ये फोल्ड मिरर दबाता हूँ तो ये साइड मिरर फोल्ड हो गए। इवन अगर मुझे ये जो स्टीयरिंग है इसे ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर यूजुअली नीचे होता है गाड़ियों के लीवर, बट यहाँ पर आपको सिर्फ ये स्टीयरिंग पे जाना है। एंड अब ये जो बटन है इससे मैं आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता हूँ स्टीयरिंग को अपने हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पर आप हमेशा कैमरा एक्सेस कर सकते हो, जो भी रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पर भी। इवन अंदर भी एक कैमरा है, बहुत छोटा सा, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, जो हर वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा होता है अंदर की भी। या आप एक्सेलरेशन चूज कर सकते हो कि आपको कम एक्सेलरेशन चाहिए या फिर स्टैंडर्ड, क्योंकि टेस्ला की जो एक्सेलरेशन है मतलब वो यार नेक्स्ट लेवल है। उसके बाद ये चार्जिंग पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि कितने परसेंट आपकी गाड़ी चार्ज है एंड इतने परसेंट में कितनी गाड़ी आपकी चल जाएगी। उसके बाद ये ऑटो पायलट में आपको अभी प्रॉपर टेस्ट करके दिखाऊंगा। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, ये अच्छी लगती है चीज़ मुझे टेस्ला की। इसमें बिल्ट इन इतना बड़ा ये नेविगेशन है, आपको कोई इंटरनेट वगैरह नहीं चाहिए, इसका बिल्ट इन इंटरनेट होता है टेस्ला का। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप ये टेस्ला के ब्राउज़र पर जाओ, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। लेट्स सी कि अगर मुझे रेस्टोरेंट ढूंढने हैं तो बिल्कुल मतलब जैसा फ़ोन में काम करता है, आप गाड़ी से ही हर चीज़ ढूंढ सकते हो, तो कहीं भी आप कभी फंसोगे नहीं। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही बढ़िया फीचर। लेट्स से आपको अगर अपनी गाड़ी चार्ज करनी है, आप आराम से वेट कर रहे हो गाड़ी चार्ज करते हुए, तो आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये पूरा एक थिएटर सेक्शन है,
यहाँ पे आपके पास Netflix, Hulu, Disney, YouTube, इवन TikTok भी आप देख सकते हो, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा देखना। तो आप मतलब Netflix पे कुछ भी देखो, उसके अलावा यू कैन वॉच यूट्यूब। वाव द क्वालिटी। एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक तो इन्होंने ये दो फ़ोन की मतलब प्रॉपर जगह बनाई हुई है विद रियली नाइस स्वेड। लेट्स सी, अगर मैं ये फ़ोन रखता हूँ तो ये वायरलेस चार्जर है यार, ये चीज़ हर गाड़ी में होना चाहिए। एक तो रखने की जगह है एंड ऊपर से आपको फिर वो तार वगैरह का कोई झंझट नहीं करना, आप आराम से यहाँ फ़ोन रखो, चार्ज भी होता रहेगा, नेविगेशन आपको गाड़ी में मिली रही है। एंड नाउ लेट्स फाइनली गो एंड लेट्स टेस्ट द ऑटो पायलट, जिसके लिए टेस्ला सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड टेस्ला में जो गाड़ी का गियर होता है वो बस ये है, ये अब ड्राइव पे आ गई, अगर आप इसे ऊपर कर दोगे तो गाड़ी रिवर्स पे है। एंड ऑटो पायलट टेस्ट करने से पहले एक बार एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं गाड़ी का, मतलब ऐसा लगता है कि आप स्पेसशिप में बैठे हुए हो। रन कर योर रेडी। नो नो। ओके कम ऑन डू इट। 3 2 1 Whoa! Oh, wow. And it's so quiet at the same time. Like, yeah, you can't see it on the video, but this car is so quiet that it's weird. Yeah. And ये जो Tesla की screen है, इस पे ये augmented reality में पूरा जैसे सामने मेरे traffic है, यहाँ पे आ जाता है। अगर मेरे right में कोई truck खड़ा है, तो यहाँ पर उसकी figure आ जाएगी। आगे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ताकि अगर आप कभी भी lane change कर रहे हो, तो आप बस यहीं देख सकते हो कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। जैसे मेरे पीछे गाड़ी आ गई, इवन अगर कोई बाइक आ रही होती है, पैदल बंदा आ रहा होता है, सबकी मतलब ये प्रॉपर फिगर आ जाती है यहाँ पे। तो अब हम आए हैं टेस्ला के सुपर चार्जिंग स्टेशन, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि टेस्ला चार्ज कैसे होती है। तो टेस्ला चार्ज करने के लिए ऐसे ये हर जगह यहाँ कैलिफोर्निया में सुपर चार्जिंग स्टेशन बने होते हैं हर 3-4 किलोमीटर में। एंड बाय द वे दीज सुपर चार्जिंग स्टेशन दे आर एब्सोल्युटली फ्री टू यूज़ फॉर टेस्लास। तो आपको बस ये चार्जिंग केबल निकालनी है एंड यू हैव टू प्लग इट इन। एंड इतने गाड़ी चार्ज हो रही है, 20-25 मिनट लगते हैं गाड़ी को फुल चार्ज होने में सुपर चार्जर से। इतने गाड़ी चार्ज हो रही है, हम सोच रहे हैं सामने बेकरी से कुछ खाने का ले आते हैं। हाउ इज इट? राइट। तो ये जो जगह है 85 डिग्रीज, यहाँ पर मैं पहले बहुत आता था लास्ट टाइम जब मैं यहाँ सैंडिएगो रह के गया था। एंड इनके ये जो बन है स्वीट बंस, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। हमने वाइट चॉकलेट रास्पबेरी लिया है। तो यहाँ पहले सलील भैया के घर आके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इसके बाद फिर जाएंगे टेस्ला टेस्ट करने। तो हम एक बार कार वॉश कराने आए थे एंड यहाँ पर ये कोई दिक्कत हो गई है, गाड़ी फंस गई हमारी। It's not neutral. I don't know why it's not moving. It's not neutral. It's not neutral. Yeah. It's teamwork. Yeah. गाड़ी रिकॉर्ड करने से पहले साफ करना बहुत जरूरी है, अच्छी लगनी चाहिए कैमरा में। तो गाइज ये हैं सलील भैया जिनकी मैं आपको Hi guys. बात कर रहा था। टेस्ला मॉडल एस, तो मैं मॉडल 3 आपको दिखा चुका हूँ एंड अब मैं आपको मॉडल एस दिखाता हूँ एंड कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, अगर आपको मतलब आप तो ओन करते हो? मॉडल 3 आई वुड से इज लाइक चीपर वर्जन ऑफ टेस्ला, मॉडल एस इज मोर लाइक कंप्लीट सेडान। ओके, दैट्स व्हाट यू नो आई फेल्ट द डिफरेंस, बेटर ड्राइविंग, बेटर हैंडलिंग, मच मोर स्पेस इनसाइड। ओके, कंपेयर टू मॉडल 3, या दीस आर द मेन। और परफॉर्मेंस में क्या फर्क है? परफॉर्मेंस वाइज मॉडल एस इज फास्टर देन मॉडल 3 आई वुड से। ओके, एंड इट्स ग्रेट एट मैन्यूवरिंग बेसिकली, हैंडलिंग इज बेटर, हैंडलिंग इज मच बेटर। तो इसे लाइव टेस्ट पे लेके जाते हैं, क्योंकि मॉडल 3 तो मैंने चला के देख लिया है, मतलब इसकी भी एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है कि कम है, बट मैंने सुना है कि मॉडल एस इज मच मच फास्टर। तो अब ये चेक करते हैं, और बहुत सारे फीचर्स हैं मॉडल एस में। तो सबसे पहले तो मैं आपको मॉडल एस की चाबी दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट दिस की। या तो हर टेस्ला के साथ ये की आती है या फिर कहीं, जैसे इसके साथ ये वाला कार्ड है, अच्छा मॉडल 3 में ये कार्ड आता है और मॉडल एस में वो ऐप तो बेस्ट है, मतलब आपको जरूरत ही नहीं है इसकी।
तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। एंड मॉडल एस में एक जो डिफरेंस है कि जो इसके जो हैंडल हैं खोलने वाले, ये अपने आप मतलब बाहर पॉप आउट हो जाते हैं, मॉडल थ्री की तरह नहीं है वो पुश वाले। ये है मॉडल एस के इंटीरियर्स। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, एक तो ये जो स्क्रीन है इसकी एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है उससे। मॉडल थ्री में वो एक स्क्वायर स्क्रीन है, इसमें ये लंबी रेक्टेंगुलर स्क्रीन है पूरी। एंड फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं उससे, स्पेशली ऑटो पायलट में, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ आगे चेक करके। बाकी जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल इंटीरियर्स। इसके ये प्योर वाइट इंटीरियर है। एंड मॉडल एस में आप ये सनरूफ भी खोल सकते हो, मॉडल थ्री में सिर्फ शो के लिए है, बट मॉडल एस में अगर आपको ये खोलना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये गाड़ी बनी हुई है, अगर आप सिर्फ ओपन क्लिक करो। तो मतलब आपका फेवरेट फीचर क्या है इसका टेस्ला का? Like someone feature, it's one of the cool, coolest features. I think in Tesla they're going to show to other people. Yeah? Yeah. तो मैं आपको ये समन फीचर करके दिखाता हूँ। तो कैसे करते हैं? बेसिकली आपको टेस्ला की ऐप में जाना है। So it's connecting to the car right now and you just press come to me here. And that's it. And you'll see the car starting. तो वो गाड़ी अपने आप चल रही है, कोई भी अंदर नहीं बैठा। विनोद का गो शो द कार, देयर इज नो वन सिटिंग इनसाइड। मतलब ये फीचर देख के लग रहा है कि यार ये गाड़ी लेनी बनती है। Yeah, this is insane. Yeah, trunk. Everything in the app. तो हर चीज़ ऐप से कंट्रोल हो जाती है। Yeah, even the trunk. I'll show you. अब ड्राइव के लिए चलते हैं फिर? हाँ। यहाँ से सैनडिएगो में ये फीचर तो काम आता नहीं होगा। नहीं। ये यूरोप के लिए, ये पोलैंड में काम आएगा। हाँ। कई बार और हीटेड वगैरह। हाँ। It feels nice कभी बाहर। सुबह सुबह आप निकलो। हाँ। हाँ। और हीटेड स्टीयरिंग भी है। तो हम ड्राइव के लिए जा रहे हैं एक बार बाय द बीच। एक टोरी पाइंस जगह है लाहौया के पास में, यानी तो टोरी पाइंस जाने से पहले एक बार हम यहाँ एक ओपन हाउस पे रुके थे, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर ओपन कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आपको एक 2-3 मिलियन का घर दिखाता हूँ यहाँ कैसा लगता है सैन डिएगो में। लुक्स नाइस राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक $3 मिलियन का 18 करोड़ का घर कैसा लगता है यहाँ सैन डिएगो में। अब मैं आपको इस गाड़ी की एक्सेलरेशन दिखाता हूँ। ये कितने में जाती है 0 to 100? 3 seconds 2 point something। ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो फीचर जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है टेस्ला, इसका ऑटो पायलट। तो ऑटो पायलट इंगेज करने के लिए आपको जो ये गियर लीवर है इसे बस 2 बार नीचे प्रेस करना होता है, एंड देन द कार विल बी इन सेल्फ ड्राइविंग। लेट मी शो यू। तो अब ऑटो पायलट इंगेज है, मैं आराम से हैंडल छोड़ सकता हूँ नीचे बैठ के, चाहे फिर कोई भी गाड़ी हो। ये लेन भी अपने आप चेंज करेगी, एकदम से कोई आ जाता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग सारी टर्निंग वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। तो आप लिटरली रिलैक्स कर सकते हो। ऑब्वियसली आप ये नहीं है कि मतलब सो जाओ गाड़ी चलाते हुए, बट इतना है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो बहुत ही रिलैक्सिंग ड्राइव होगी, आप बिल्कुल भी थकोगे नहीं क्योंकि मोस्टली सारा काम गाड़ी करेगी आपके लिए। एंड ये दिख रहा है कि अभी हम इस लेन में हैं, आप लिमिट सेट कर सकते हो कि गाड़ी इससे ज़्यादा तेज़ ना जाए। एंड अभी ये फुल सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, अभी टेस्ला रोल आउट कर रही है ये फीचर,
हर टेस्ला केपेबल है फुल सेल्फ ड्राइविंग के लिए, बट अभी हर गाड़ी में आया नहीं है. जब सॉफ्टवेयर अपडेट आएगी देन इट विल बी फुली सेल्फ ड्राइविंग, कि मतलब सिटी में गाड़ी हर जगह अपने आप चलेगी. आप बस मैप्स पे लगाओ आपको कहाँ जाना है, आप रिलैक्स करो और आपको गाड़ी लेके जाएगी. मतलब ऑलमोस्ट ये फीचर आ चुका है, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्यूचर में आएगा ये, बट ये जब रोल आउट होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस होगा. अभी ये है कि आप हाईवे पे चलाओ, रिलैक्स करो, कोई टेंशन नहीं है आपको, बट जब सिटी में सेल्फ ड्राइविंग होगी उसका एक अपना अलग मज़ा होगा. एंड मॉडल एस में कंपेयर करूँ, मैंने अभी मॉडल एस चलाई थी तो वो इससे थोड़ी सी अच्छी है चलने में, थोड़ी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, थोड़ी तेज़ भागती है, बट ओवरऑल मुझे ये भी बहुत पसंद आई टेस्ला मॉडल 3. एंड ये उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी है, तो अगर पर्सनली मुझे लेनी होगी तो अगर पैसा है आपके पास तो मॉडल एस मैं प्रेफर करूँगा, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है. बट दिस इज़ ऑल्सो रियली रियली नाइस. एंड अभी हम ड्राइव करके जा रहे हैं लॉस एंजलिस. सलील भैया अपने घर वापस चले गए, उन्हें काम था एंड हमें एक दो काम है लॉस एंजलिस में. तो अभी हम हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं एंड मैंने ये सिटी का नाम देखा जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, इसका नाम है आगरा. एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता नहीं बट यहाँ US में न्यू दिल्ली भी है, एक सिटी का नाम है न्यू दिल्ली ईस्ट कोस्ट पे. लंच के लिए हम जा रहे हैं टाको खाने. जैसा आपको मैंने बताया था सैन डिएगो बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी मैक्सिकन इन्फ्लुएंस के लिए, तो बहुत बढ़िया बढ़िया मैक्सिकन रेस्टोरेंट भी है. एंड सामने ही एक टाको की जगह है तो वहाँ जाके फ़िश टाको खाते हैं. आई थिंक लिखा हुआ है वाहूज फ़िश टाको. हमने मंगाया एक चिकन टाको, एक फ़िश टाको, वेरोनिका का श्रिम्प. एंड यहाँ हर मैक्सिकन रेस्टोरेंट में ये चिप्स एंड सालसा कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं. एंड वी ऑल्सो गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ सालसा. Try and tell me how is the taco. Okay. It looks good. I like this sauce the most. I don't know what is it made it's of. Like it's spicy. Green salsa. Mmm. Good? Mm-hmm. Very good. The best taco of your life? दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है चिकन भी. तो गाड़ी बिल्कुल ऑटो पायलट पे है, इवन तो आगे जाम लगा हुआ है. चाहे कितने भी धीरे हो जाए आगे की गाड़ियाँ, आराम से अपने आप ब्रेकिंग होगी, उसी स्पीड पे चलेगी जो लिमिट है.